मुस्कुरा कर चल दिए। अरे ये तो बता जाता यार कि हमने तुम्हारे साथ क्या किया ऐसा। आई मीन वहां पे भी ऐसा काम करते हो, हमारा पहले कोही नूर ले गए, उसके बाद कोहली नूर का नूर ले गए और हरा दिया हमको यार तुमने। कैसे हुआ ये, क्यों हुआ ये, कहाँ कहाँ कमियां रह गई? क्या भारतीय टीम असाधारण है या फिर सामने वाली टीम असाधारण तरीके से खेली है, अद्भुत खेली है भाई? इस मैच पे करनी पड़ेगी बात, क्योंकि थोड़े से बदले हैं जज्बात। भारतीय टीम बाहर हो चुकी है, 1992 का रिपीट फाइनल हो रहा है, मेलबर्न का मैदान होगा, पाकिस्तान के सामने इंग्लैंड होगा। हमारे मंसूबों पे भाई बाल्टियां भर के, ड्रम भर के पानी फेर दिया है इंग्लैंड की टीम ने। वो हेल स्टॉर्म आया था और हम परेशान है मान रहा, पर फैंटेसी में सारे जीत गए हम, क्योंकि बटलर कप्तान थे हमारे और कोहली साहब वाइस कैप्टन थे, तो मैं सारे कॉन्टेस्ट जीत गया हूँ, लेकिन दिल फिर भी दुखा है। पहली बार जीत के दुख लग रहा है यार, कि क्यों जीता, इससे अच्छा हार ही जाता। आई मीन टीम जीत जाती, क्योंकि दिल टूटा यार। भारतीय टीम की बात कर लेते हैं बाद में, तो ऑफकोर्स इंग्लैंड टीम की बात करनी पड़ेगी। और बेटवे की हमारी कल चार प्रेडिक्शन थी बाबा, चार प्रेडिक्शन थी, चारों की चारों सही हुई है। और क्यों हुई है, वाई? मैंने कहा था कि इंग्लैंड हमारी धुलाई करेगा, 9 रन पर ओवर बनाएगा कम से कम, पावर प्ले में बने। मैंने कहा था कोहली और बटलर जो 80 से ऊपर बनाएंगे बने, और 12 से ज्यादा छक्के लगेंगे लगे, जो टीम चीज चेज करेगी वो जीतेगी, वो हुआ। आई मीन क्यों 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 क्यों, अब क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी बात कर लेते हैं। और क्योंकि अगर आपने आकाशवाणी आज सुबह की देखी होगी, तो हमने क्या बात की थी कि टॉस जीत के गेंदबाजी करना जरूरी है, जो कि इंग्लैंड ने तो सुना, हम तो फिर भी बैटिंग करना चाह रहे थे। क्यों करना चाह रहे थे, आई गॉट नो आइडिया। हमारी ताकत क्या, हमारी बैटिंग है। और मैंने ये भी कहा था कि अगर हमारी पहले बैटिंग आ जाए, मैंने नहीं कहा था ये, एक्चुअली ये वर्ल्ड वाइड ट्रूथ है यार, ऑनेस्टली मैं अपने ऊपर कोई क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, कि अगर पहले बैटिंग भारत करता है या इंग्लैंड करता है, 200 रन बनाओ यार, क्योंकि पिच अच्छी है बल्लेबाजी के लिए, इस पे कोशिश तो करो वहां तक पहुंचने की। लेकिन हम तो रन बॉल खेलते हैं यार, और रन बॉल हम तब भी खेल रहे थे, कल भी खेल रहे थे, आज भी खेल रहे हैं, शायद कल भी खेलेंगे। तो फिर वो जो टेम्पलेट की बात की थी, इतने लंबे समय तक हमने चर्चा की थी कि हम ऐसे खेलेंगे, हम वैसे खेलेंगे, नहीं नजर आया भाई, वो कमिटमेंट नजर नहीं आया, वो पैशन, वो कमिटमेंट टू द कॉज। कॉज हमारा नहीं था, आप ही का था, आपने कहा था हम ऐसे खेलेंगे, लेकिन वो ना खेल पाना, वो दिल को ठेस लगी है यार, क्योंकि बड़ी बड़ी साधारण लगी बल्लेबाजी। ऐसा लग रहा था कि बहुत धीमे चल रही है बल्लेबाजी। अब मतलब T20 क्रिकेट में जो बैटिंग हम कर रहे हैं ऑन अ सर्फेस विच इज फ्लैट, जिसके साइड बाउंड्रीज छोटी हैं, और जिसमें आपको टॉस जीत के पहले मतलब बैटिंग के लिए आपको आमंत्रित कर लिया गया, आ जाओ भाई साहब आप खेलो, तो वहां पे हम 168 तक ही पहुंचे आखिरी के 3 ओवर में, तो हार्दिक पांड्या ने कमाल कर दिया, और उससे पहले कोहली ने अच्छी बल्लेबाजी कर दी, पर इंटेंट जो था वो तो मिसिंग था यार। भारतीय टीम की बात कर लेते पहले, फिर मैं अपना प्लेयर ऑफ द मैच पिक कर लूंगा, फिर पूरा और तबसरा करूंगा। सबसे पहले तो भाई भारतीय टीम ने एक बदलाव भी नहीं किया ना, सेम टीम खिलाई जो पिछला मैच खेली थी, उसमें भी ऋषभ पंत खेले थे, यहाँ पे भी ऋषभ पंत खेले। पर मेरा सवाल ये था कि भैया अगर आप खिलाते हो किसी एक्स फैक्टर को क्यों खिलाते हो? आपने ऋषभ पंत को क्यों खिलाया? आपने कहा ये बंदा ऐसा है जो ना तोड़ देगा फोड़ देगा, सामने से राशिद होंगे, लियम लिविंगस्टन होंगे, ये छक्के छक्के मारेगा, साइड बाउंड्रीज बहुत छोटी है। भाई पेविलियन से तो कोई नहीं मार सकता, आपने इनको खेल में इन्वॉल्व ही नहीं किया। 18वें ओवर में, 19वें ओवर में तो बैटिंग आई है भाई की, तो जब बैटिंग तब आ रही है तो वो कैसे इंपैक्ट डालने वाला है? तो एक्स फैक्टर पिक आपने किया तो सही, लेकिन खिलाया नहीं है। जब आप खिलाने ही नहीं वाले हो तो फिर DK को ही खिला लेते, और उसके बाद आप अश्विन को बैटिंग करने भेजते हो, आप अक्षर को नहीं भेजते हो। तो अगर अक्षर को आपने बैटिंग भी नहीं करानी, आपने उनसे बॉलिंग भी नहीं करानी, तो चहल को खिला लेते। आई मीन दीज आर वेरी वेरी ब्रॉड क्वेश्चन, जिसकी परेशानी रही है, मतलब मेरे जहन में तो रही, आपका भी दिल थोड़ा सा टूटा होगा, और अच्छे से टूटा होगा, क्योंकि लग रहा था यार कि अच्छा करेंगे हम। बैटवे प्लेयर ऑफ द मैच कर लेता हूँ पहले, फिर इंडिया की बैटिंग की फिर दोबारा बात करूंगा। और बैटवे प्लेयर ऑफ द मैच हैज टू बी एलेक्स हेल्स, बंदा बड़ा कमाल खेलता है, 47 गेंदों में 86। हेलो दोस्तों, कल इंग्लैंड और भारत के सेमीफाइनल मैच में भारत को सर्वनाक हार मिली, जिससे आकाश चोपड़ा एंड भारतीय फैन काफ़ी नाखुश दिखाई दिए इंडियन टीम के परफॉर्मेंस पर। और आकाश चोपड़ा का ये था इंडियन टीम पर शॉकिंग रिएक्शन। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब फेतो न्यूज़ चैनल।